टी20 वर्ल्ड कप में जल्दी बाहर होने के बाद टीम इंडिया का सामना अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज में होगा। खास बात यह है कि इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे और केएल राहुल इस टीम के उपकप्तान होंगे। ये बात तो तय है कि विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद टीम में कुछ बड़े बदलाव तय हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी माई 11 सर्कल के बारे में, जहां कल मैंने फैंटेसी क्रिकेट खेलकर कमाए 7,000 रुपये, और आप भी इस वीडियो को पूरा देखकर जीत सकते हैं 10,000 रुपये। इसके लिए वीडियो अंत तक देखना। माई 11 सर्कल पर आजिक रहाड़े, सौरभ गांगुली VVS लक्ष्मण के साथ खेल सकते हैं। यदि आपकी टीम VVS लक्ष्मण की टीम को हरा देती है तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 2 गुना ज़्यादा कैश। तो इंतजार किस चीज़ का, अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से फटाफट माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलने वाला है। माई 11 सर्कल पर सिटी सूरत से आदित्य भाकर ने जीते हैं 10,000 रुपये। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको उन 3 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो विराट कोहली के तो फेवरेट थे, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्हें जगह मिल पाना बेहद मुश्किल होगा। सैयद अय्यर मिडिल ऑर्डर के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में जब टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से घरेलू सीरीज में हुआ तो अय्यर फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। तभी से लगातार टीम इंडिया में सूर्य कुमार यादव को जगह मिलने लगी। सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और आगे अब रोहित की कप्तानी में टीम में उनकी जगह पक्की है। लेकिन वहीं सैयद अय्यर के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी अय्यर की जगह टीम में सूर्य कुमार यादव को ही मौका दिया गया था। ऐसे में रोहित अपने इस खास खिलाड़ी को आगे भी लगातार टीम में जगह देना जरूर चाहेंगे। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल विराट कोहली के बेहद खास खिलाड़ियों में से एक है। चहल को टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भी टीम से बाहर कर दिया गया था। उनकी जगह राहुल चहर को जगह दी गई। राहुल लंबे समय से रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में रोहित उन्हें कप्तान बनने के बाद भी टीम में लगातार मौका जरूर देंगे। वहीं चहल के करियर पर एक ब्रेक लग सकता है। रोहित टीम में अपने चहेते खिलाड़ियों को जगह देंगे और आने वाले समय में राहुल का करियर जरूर बना सकते हैं। चहल को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में मौका दिया गया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें टीम में जगह मिलती है या नहीं। मोहम्मद सिराज भी चहल की ही तरह विराट कोहली के काफी खास खिलाड़ियों में से एक है। सिराज ने टेस्ट क्रिकेट में तो अपनी जगह एकदम पक्की कर ली, लेकिन IPL में उनके अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की सीमित ओवर साइट में जगह बनाने का भी उनके पास एक मौका था। हालांकि रोहित के कप्तान बनने के बाद ऐसा संभव हो पाना काफी मुश्किल ही है। सीमित ओवर क्रिकेट में सिराज ने टीम इंडिया के लिए ज्यादा मैच नहीं खेले हैं और आगे भी उनका चुना जाना काफी मुश्किल ही नजर आता है। वहीं टीम इंडिया के लिए पहले खेलते हुए सिराज का रिकॉर्ड काफी खराब ही रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में माई 11 सर्कल को डाउनलोड करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं 10,000 रुपये जीतने की। उसमें कुछ खास नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए और वहां जाकर खेलिए। बाहर हो जाना आप में से एक सब्सक्राइबर जीतेगा 10,000 रुपये। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।